ये आप देख पा रहे हैं, ये एक टेबल फैन है जो मेरे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया है। मैं इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है मैं आपको ठीक करके दिखाता हूँ। पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। मैं ये मीटर में कंटिन्यूटी में डाल दूंगा और अब हम इसको ये ब्लॉक एक ब्लॉक से यहाँ पर देके और यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है खोल लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर एक तार ठीक है, लेकिन ये एक तार टूट गया है और यहाँ पर हम खोल के देखेंगे। देखिए यहाँ पर से तार थोड़ा सा जल गया है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है और हम इसको निकाल के और एक तार से कटर कर लेंगे, छील लेंगे। ये तार को जो जला जल गया था, यहाँ पर तार एक कट गया था, इसको मैंने जोड़ दिया हूँ अभी जो। ये देखिए हमने उसको खोल के ठीक लगा लिया और उसका बैक साइड खोल के देखें, फिर भी नहीं घूम रहा है। उसका और कुछ प्रॉब्लम है, कैपेसिटर वगैरह चेंज कर लेंगे। ये जो पुराना वाला कैपेसिटर है हम उसको चेंज कर लेंगे, ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। ये देखिए ये पुराना हो चुका है कैपेसिटर, हम उसको चेंज कर लेंगे। और ये जो नया वाला कैपेसिटर है आप देख पा रहे हैं 2.5 का, हम इसमें लगा लेंगे। अभी हम उसको थोड़ा चेक करके देख लेंगे ठीक हुआ है कि नहीं। ये तार भी ठीक हो चुका है। ये देखिए बढ़िया हो गया। ये देखिए बहुत बढ़िया हो गया। तो आपने देखा बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। तो देखा दोस्तों, और ये जो तार था उसका जो टूट गया था, उसको पहले में हमने इसको चेक कर लिया, यहाँ से जोड़ लिया और उसके अंदर में खोल के देख लिया जो उसका पुराना वाला कैपेसिटर जो खराब था और चेंज कर लिया। अब ये बहुत अच्छा फैन बन गया और आप भी इस तरह से घर में आप खुद ठीक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से।
मेरी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।